जिला बिलासपुर के खंड गुमारवी के अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष व चुनाव प्रभारी इंद्र ठाकुर व उप चुनाव अधिकारी भारतीय मजदूर संघ जिला बिलासपुर के प्रधान शालिग्राम की अध्यक्षता में संपन्न हुए। इस चुनाव में सर्वसम्मति से संतोष कुमारी को प्रधान, सोमा कपूर को वरिष्ठ उप प्रधान, रेखा कुमारी को उप प्रधान, किरण ठाकुर को महासचिव, जगदम्बा कुमारी को सह सचिव व नीला कुमारी को कोषाध्यक्ष चुना गया। इस अवसर पर भारतीय मजदूर संघ जिला के प्रधान शालिग्राम, जिला महासचिव नानक चंद, भारतीय मजदूर संघ के झंडुता के प्रधान दिलबाग सिंह सहित कई लोग मौजूद रहे। ज्वालामुखी के रामाकृष्णा गेस्ट हाउस में दो दिनों के लिए राज्य स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे हिमाचल के बच्चों ने भाग लिया, जिसमें अंडर 11 और अंडर 19 बॉयज व गर्ल्स के प्रतिभागियों ने भाग लिया। स्टेट लेवल शतरंज संघ की जनरल सेक्रेटरी विदुषा शर्मा ने बताया कि ज्वालामुखी के रामाकृष्णा गेस्ट हाउस में दो दिवसीय अंडर 11 और अंडर 19 के 63 बॉयज और गर्ल्स ने प्रतियोगिता में भाग लिया। 63 बच्चों में 50% लड़कियों ने भाग लिया और इस प्रतियोगिता को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया। उन्होंने कहा कि थोड़े ही दिनों में नेशनल शतरंज प्रतियोगिता होने वाली है। इस प्रतियोगिता में जीतने वाले बॉयज और गर्ल्स को नेशनल के लिए चयनित किया जाएगा। अंडर 11 के प्रतिभागी उदय वीर सिंह ने बताया कि वे 9 साल के हैं और फोर्थ क्लास में पढ़ते हैं। वे 3 साल से शतरंज खेल रहे हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली में वे 5 प्रतियोगिताएं खेल चुके हैं। हिमाचल में अंडर 9 नेशनल एवं अंडर 9 स्टेट लेवल भी वे खेल चुके हैं और अब अंडर 11 स्टेट लेवल गेम में भाग ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे इस प्रतियोगिता में मध्य स्थान पर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें खेलना अच्छा लगता है और खिलाड़ियों से भी वे काफी कुछ सीख के जा रहे हैं। उन्होंने खिलाड़ियों को भी संदेश दिया कि अपने गेम पर फोकस करें और जल्द खेलें, टाइम लें, अपने मूव को सोचने व अपना ध्यान केंद्रित करें। बॉलीवुड के मशहूर गायक सोनू निगम इन दिनों हिमाचल के दौरे पर हैं और यहां की हसीन वादियों में घूमने का आनंद भी ले रहे हैं। धर्मशाला पहुंचे सोनू निगम ने प्रसिद्ध सीतपीठ नगरकोटा धाम माता श्री ब्रजेश्वरी मां कांगड़ा में पहुंचकर पहले पूजा अर्चना की और मां के आशीर्वाद लिया। वहीं सोनू निगम इससे पूर्व नंदीकेश्वर शिव मंदिर, बैजनाथ व मां चामुंडा मां के दर्शन भी कर चुके हैं। शुक्रवार को उन्होंने बीड बिलिंग में पैराग्लाइडिंग का भी खूब आनंद लिया था। कांगड़ा के ब्रजेश्वरी मंदिर पहुंचने पर मंदिर के पुजारी पंडित राम प्रसाद शर्मा ने उनका विधिवत रूप से पूजा अर्चना करवाई और माता की फोटो देकर उन्हें सम्मानित भी किया। इसके बाद कुछ समय उन्होंने मंदिर न्यास में भी बिताया जैसे ही सोनू निगम मंदिर पहुंचे, वैसे ही मंदिर के प्रांगण में प्रशंसकों की भीड़ जुटना शुरू हो गई। मंदिर के प्रांगण में हर कोई सोनू निगम के साथ फोटो खींचता देखा गया। उन्होंने अपने प्रशंसकों को नाराज भी नहीं किया। इस मौके पर उनके साथ हिमाचल गायक कुमार साहिल भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दो दिन धर्मशाला में जनसभाएं करते रहे, लेकिन 2 साल में प्रदेश सरकार की धर्मशाला को दी गई एक भी सौगात गिना नहीं सके। सीएम इधर उधर की बातें करते हैं, लेकिन सरकार ने 2 साल में धर्मशाला को क्या दिया उसके बारे में जनता से संवाद जरूरी है। ये शब्द नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने धर्मशाला में पत्रकार वार्ता करते हुए कही। अग्निहोत्री ने कहा कि नगर निगम का गला घोटने का काम प्रदेश सरकार कर रही है। निगम को विकास कार्यों के लिए धन उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है। निगम अपने दम पर जैसे तैसे विकास कार्य करवा रहा है। स्मार्ट सिटी का तो ऐसा हाल है कि इसके लिए प्रदेश सरकार कोई भी सहायता उपलब्ध नहीं करवा रही है। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने स्टेडियम और सीयू के शिलान्यास के रूप में अपनी उपलब्धियों का व्याख्यान किया। स्टेडियम बीसीसीआई ने बनाया है और सीयू का शिलान्यास केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है। सीएम ये बताएं कि उनकी सरकार ने धर्मशाला के लिए क्या किया।
नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए अपने कार्यालय स्टाफ से भी चुनाव प्रचार करवाने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि इन्वेस्टर मीट के नाम पर सारी अफसरशाही को धर्मशाला में आचार संहिता के दौरान एकत्रित करने के नाम पर आचार संहिता का उल्लंघन करने की दिशा में अगला कदम भी बताया। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि इन्वेस्टर मीट फिलहाल हो हल्ला ही है, जबकि हकीकत यह है कि पुराने एमओयू को रिन्यू करके और सरकारी कंपनियों से एमओयू करके कामयाबी का ढिंढोरा पीटा जा रहा है। यहां तक कि बिल्डरों को भी बुलाया गया है और धर्मशाला और प्रदेश को बेचने का काम किया जा रहा है, जिससे हिमाचल कांग्रेस सफल नहीं होने देगी।